चलिए, हाय दोस्तों। आपने जिस तरह से एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे मैं आज टेलीग्राम चैनल पे जो अपडेट दिए थे उसके बारे में आपको को बहुत कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए, जिन लोगों ने तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज हमने प्रीमियम चैनल में 17,400 का सी दिया था, उसके पीछे का रीज़न मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे 70,530 के अब अगर निफ्टी सस्टेन होता है तभी बूम हो सकता है, लेकिन निफ्टी अगर देखे तो मॉर्निंग में परफेक्टली यहाँ पे 17,500 के पोज नज़दीक भी नहीं गया। फिर भी मैंने 17,530 का लेवल क्यों दिया, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसे कि 17,500 का जो सी था, 115 के अबव मैंने आपको लर्निंग के लिए दिया था। उसके बाद में अगर देखें तो मोस्टली, और एक मैंने 17,400 का सी दिया था जो कि 95 के लेवल के अबव। तो यहाँ पे मैं एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 17,500 का जो सी है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे एंड ऑल। तो यहाँ पे जो ऑल इंडिकेटर्स निकाल देता हूँ, 17,400 का जो सी था तो उसको 95 का लेवल मैंने इतना यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों दिया था, उसको रीजन में आप देना। तो 95 की नियर बाय देखे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था और मार्केट ने वहीं पे एक रेजिस्टेंस जोन लिया जो कि 95 का सी है, 95-97 का। तो तब तक यहाँ पे अपन ने जो मैसेज डाला था, तो मैसेज का टाइम अगर देते 11:16, तो ऑलमोस्ट 11:16 अगर देखें तो यहाँ पे मैंने, और वहीं पे रिजेक्शन लेता हुआ यहाँ पे सी साइड में मोमेंटम आ रहा है, जो कि यहाँ पे जब तक इस पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं हो सकता। जो कि यहाँ पे 11:16 को मैंने बात बताया, तब 11:16 को निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या था, निफ्टी कहाँ पे चल रहा था, तो ऑलमोस्ट अगर देखे तो 380-400 का लेवल एक रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है। अभी 400 के लेवल पे अच्छा सा पुट राइटिंग, सॉरी कॉल राइटिंग है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है। उसके बाद में बैंक निफ्टी अगर देखे तो बैंक निफ्टी में अच्छा लेवल्स था, मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में की लेवल्स भी यहाँ आपको डाल दे दिया जो कि बैंक निफ्टी के, जो कि 40,050 और यहाँ पे नीचे की तरफ। तो 40,050 का वो जैसे सस्टेन हुआ बैंक निफ्टी, तो एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिला। जो कि मैंने पिछला जो वीडियो था एनालिसिस का, उस वीडियो में डाला था, उसका जो शॉर्ट क्लिप है मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये बैंक निफ्टी के यहाँ पे मैं बुलिश हूँ तभी रहूंगा तब यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ तो पैटर्न यहाँ पे बनाए, देखो डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न बनाए यहाँ पे, जो कि 40,050 इसके ऊपर सस्टेन किया, और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद एक बढ़िया 300 पॉइंट्स का अपसाइड के लिए रैली देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 40,000 का जो लेवल है, एक राउंड फिगर नंबर है, यहाँ पे लॉजिक समझे, जो कि 40,000 का जो फिगर है, राउंड फिगर नंबर है, जो भी राउंड फिगर के यहाँ पे बाय करेगा 40,050 के अबव, तो यहाँ पे मोमेंटम क्यों आएगा, उसका रीजन समझिए। यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है 390, 40,000 के नियर बाय, जो भी यहाँ पे राउंड फिगर नंबर पे जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो वो लोग क्या करेंगे, जो कि उनका स्टॉप लॉस है ऊपर की तरफ लगाएं, जो कि 40,050। और इस मार्केट में जैसे पिछला, देखो पिछला वाला स्विंग देखो, प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन आपको मार्क करके, जो कि 40,050 के नियर बाय कितनी बार सेलिंग हुआ है, मार्केट आया नीचे, सीलिंग किया, सीलिंग किया, सीलिंग किया, तो इन लोगों के स्टॉप लॉस इसके ऊपर थे जो कि 40,050 के ऊपर थे, और जैसे इसको हिट किया तो एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड के लिए आया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे स्कैपलिंग में ट्रेड लिया होगा तो उनको अच्छा सा प्रॉफिट मिला होगा, जो कि 40,000 का जो सी था, चलिए 40,000 का जो सी था, उस सी को अगर देखे तो एक बढ़िया ब्रेकआउट करके यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड के मोमेंटम दिया, जो कि यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना था जो कि 215 से, जो कि 280 का लेवल था ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखे तो आप यहाँ पे ऑप्शन चार्ट भी एनालिसिस नहीं करते, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे रेंज बन रहा है ऑप्शन में, इस रेंज को परफेक्टली डब्ल्यू पैटर्न बना और एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे कॉल साइड में जो पैसा है वो डबल हो चुका है, जो कि 280 से ऑलमोस्ट देखे तो 466 तक चला गया है। तो इस तरह के अपडेट्स अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अभी भी देखे तो 1 मिनट के कैंडल स्टिक में अगर देखें तो यहाँ पे एक गैप अप भी देखने को मिला, जो कि बैंक निफ्टी में अगर देखें तो वहाँ पे गैप अप मार्केट हुआ। तो यहाँ पे मेरे फायर्स के चार्ट के ऊपर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं देखने को मिला। तो अभी मार्केट के लिए क्या व्यू रहेगा सेकेंड हाफ के लिए, चले मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का, तो निफ्टी अगर देखे तो 400 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहीं पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और अभी यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने के चांसेस है। नीचे की तरफ 302 का यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर के 400 100 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे घूम सकता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो और यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन 400 के आपको कोई प्राइजेक्शन बना देता है, अभी अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। उसी तरह से बैंक निफ्टी अगर देखे तो बैंक निफ्टी के लिए फिर से मेरे लिए वही सपोर्ट रहेगा, अभी जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया यहाँ पे 40 के नियर बाय, यहाँ पे कोई यहाँ पे रेंज बनाता है या रेंज बना के फिर से अपसाइड के लिए जाता है तभी, अदरवाइज सेलिंग के लिए मैं 950 के नीचे यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। 950 के नीचे आता है तो 30
9800 का जो अभी सपोर्ट फिलहाल के लिए मार्केट ने बनाया, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है कि नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा सा होल्ड किया, कल भी मैंने बोला था कि मार्केट ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के नियर बाय बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया। 40,000 के नियर बाय क्या होता है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार ऑप्शन चेन भी देखा देता हूँ, जो कि बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी अगर देखे तो थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, और जो भी अपने एनालिसिस किया था 40,000 के लेवल पे अगर देखे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पुट राइटर जाता है कितना, 2,18,00,000 से, देखो सॉरी 2,18,000 यहाँ पे पुट राइटर देखने को मिल रहे हैं, और कॉल राइटर अगर देखे तो कॉल राइटर बहुत कम है, तो यहाँ पे 1,35,000 कॉल राइटर देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ 40,200 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे क्या बिल्डअप होता है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस साइड में ओआई बिल्डअप होता है उस हिसाब से देखें कि बैंक निफ्टी 40,200 को होल्ड करता है कि ना। अभी तो फिलहाल के लिए परफेक्टली वहाँ पे रिजेक्शन लिया है, अभी स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है सेकंड हाफ में, तो अदरवाइज एक फिर से सेलिंग का प्रेशर भी सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है। यूएस मार्केट देखने पड़ेंगे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो यूएस मार्केट अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यूएस मार्केट में भी कुछ सेल अप आता है तो यहाँ पे सेकंड हाफ में सेल अप देखने को मिल जाए। अपने जो एस्ट्रो टाइम है, अपने एस्ट्रो टाइम में क्या मोमेंटम किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि जिन लोगों ने तो मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कीजिए। तो मैंने एस्ट्रो टाइम दिया था आज के कौन सा एस्ट्रो टाइम थे, चलिए 11:30, तो 11:30 को देखिए कहाँ पे मोमेंटम आया, तो परफेक्टली 11:30 अगर देखे तो 11:30 पे परफेक्टली यहाँ पे देखे तो अच्छा सा रिट्रेसमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिला। उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, अगर 11:30 अगर देखे तो परफेक्ट 11:30 का जो कैंडल है उसका हाई जैसे ब्रेक किया तो एक बढ़िया मोमेंटम ऑलमोस्ट देखे तो 200 पॉइंट से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल गया। निफ्टी में अगर देखे तो निफ्टी में यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखे तो यहाँ पे 70-80 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। तो इस तरह के एस्ट्रो टाइम पे आप अपडेट देखिए, यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है और एक अच्छा सा आप ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। चलिए थैंक यू।